The hope you have always looking for is here. To experience the true definition of luxury, welcome to this 3+1 BHK sample apartment, where you will be getting world-class amenities to enjoy, to celebrate your elite lifestyle with sense of security. Spacious drawing dining space to share your joy and sorrows with your loved ones. Followed by heart of the house kitchen to fill stomach of your family and friends with the help of modern fittings. Three spacious bedrooms where real comfort and visuals are vital to every room. Wall-mounted cupboards in every room with ample space to store your happiness. And every washroom is loaded with premium brands. Balcony, a space where you can breathe freely, enjoying every sunrise and sunset, having a cup of tea. Welcome to a legacy of 40+ years, Escon Primera. This is your host Tarannum from Tracity Property Guru, and today I'm going to explore a 3+1 BHK sample apartment in the size of 2250 square feet in Escon Primera, which is located on PR7 International Airport Road. Let's start the video. Escon Primera is a complete 22 acres township, which is further divided into 9 towers, in which you will be getting 3 inventories. First is your 3 BHK in the size of 1550 square feet with S+17 concept. Second one is your 3+1 BHK in the size of 2250 square feet with S+17 concept. And third one is your 2 BHK in the size of 1305 square feet with S+14 concept. एंड इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आपका 2 BHK अपार्टमेंट है वो ट्राइसिटी का द बिगेस्ट 2 BHK अपार्टमेंट है इन द साइज ऑफ 1305 स्क्वायर फीट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पार्किंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको पार्किंग के 2 स्पेसेस मिल रहे हैं। एक आपका स्टिल्ट में पार्किंग आ जाएगा एंड एक आपको यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग मिलेगा, जिसमें आपके कार वॉशिंग स्टेशन रहेंगे एंड आपके EV पॉइंट्स भी रहेंगे। So if we talk about the past experience, the builders of the project are called the safest builders of the Tri-City, जिन पे आप बिना किसी doubt के trust कर सकते हैं, जिसका live example है उनका already delivered project Escon Arena, जिसके कुछ follows आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये complete project already delivered है, जहाँ पे जो लोग हैं वो already residing हैं, complete project जो है builders handover कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आज हम tour कर रहे हैं Escon Primera का, तो आइए चलते हैं उसके एंट्री एंड एग्जिट गेट पे। सो गाइज, प्रोजेक्ट में आपको कंप्लीट 4 एंट्री एंड एग्जिट गेट मिल जाएंगे। आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, 4 टायर सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, जो आगे जाके 2 मेजर हाईवेज को कनेक्ट करता है, आपका दिल्ली अम्बाला हाईवे एंड आपका पटियाला चंडीगढ़ हाईवे। तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होने वाला है। बात करते हैं नियर बाय हॉटस्पॉट्स की, तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएंगी, चाहे वो आपके स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाय में मिलने वाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्रीन एरिया के बारे में। तो 22 एकड़ के टाउनशिप के अंदर 5 एकड़ का आपको ग्रीन पैच मिल रहा है,
जिसमें आपके बहुत सारे पार्क्स आ जाएंगे, ग्रीन एरियाज आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे आपके। पार्क्स की बात करेंगे तो पार्क्स में आपके डिफरेंट एज के ग्रुप्स के लिए डिफरेंट एमिनिटीज आ जाएंगी, लाइक आपके सिटिंग स्पेसेस आ जाएंगे, आपके जॉगिंग ट्रैक्स आ जाएंगे, ग्रीन एरियाज आ जाएंगे, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। एंड इसके बाद एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस भी मिल रहा है, तो आइए क्लब हाउस में चलते हैं। तो यहाँ है हमारा क्लब हाउस जो आ जाएगा आपका 35,000 स्क्वायर फीट के अंदर, G+2 कंसेप्ट के साथ आ जाता है, जिसमें आपकी डिफरेंट एमिनिटीज रहने वाली हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। वेलकम टू द मोस्ट कंप्लीट लिविंग एक्सपीरियंस, जिसको कंप्लीट बनाता है ये ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस क्लब हाउस। सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर वेयर यू विल बी गेटिंग दिस सिटिंग स्पेस एंड इंडोर गेम्स, लाइक दीज आर डिफरेंट इंडोर गेम्स वेयर यू कैन स्पेंड द क्वालिटी टाइम्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो आइए चलते हैं अपर फ्लोर पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। गाइस, फर्स्टली लुक एट दिस एरिया की कितना ब्यूटीफुली ये डेकोरेट किया गया है। आप इंटीरियर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा किया गया है। तो इस फ्लोर पे आपका बैंक्वेट हॉल आ जाएगा, सिटिंग लॉन्ज आ जाएगा, आपका कैफेटेरिया आ जाएगा एंड आपका मूवी थिएटर रहने वाला है। तो आइए चलते हैं मूवी थिएटर में। सो ये है आपका मिनी मूवी थिएटर, जिसमें आपका 30 लोगों का सिटिंग आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने लव्ड वन के साथ यहाँ पे मूवी इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो भी आपके घर के पास ही। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका स्केटिंग रिंग आ जाएगा रूफ टॉप पे, कैफेटेरिया आ जाएगा, जिमनाजियम, सोना स्पा, लाइक सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो आइए इसके बाद चलते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट। So this is our beautiful and luxurious 3+1 BHK apartment in the size of 2250 square foot. Let's first check out our plus one room. So this is our plus one room with attached washroom, जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपना होम ऑफिस बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं, आप इसको सर्वेंट रूम बना सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर सैंपल अपार्टमेंट। सो एज यू एंटर हियर कम्स दिस ब्यूटिफुल फॉयर एरिया, लुक हाउ स्पेशियस इट इज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So here comes your drawing and dining space in the size of 23x14 square feet. Like see the space, how spacious it is. Like आपका जो sitting space है वो आपका different portion में आ जाता है and आपका dining space जो है वो different portion में आ जाता है। उसके बाद भी हमारे पास move करने के लिए काफ़ी ज़्यादा space यहाँ पर बच जाता है। आपके drawing and dining space के साथ attach balcony आ जाएगी जो आपके guest bedroom के साथ भी connected रहेगी, तो वो balcony मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगी। And after this यहाँ आ जाता है ये space जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो आपको ये स्पेस ऐसा मिल जाता है अपने घर में जहाँ पे अगर आप बार बनाना चाहते हैं बार बना सकते हैं, पूजा रूम क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या और भी अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, छोटी सी लाइब्रेरी भी आप घर में बना सकते हैं। सो दिस वॉज आर ड्रॉइंग एंड डाइनिंग स्पेस। आफ्टर दिस हेयर कम्स आर कम्प्लीट मॉडुलर किचन इन द साइज ऑफ 12x12.9। आप देख पहले आप साइज देखिए किचन का। अगर मैं बताऊं आपको तो इस अपार्टमेंट का जो एक प्लस पॉइंट है ना वो है आपका किचन। लाइक आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये एक फ्लैट का किचन है, जैसे एक कोठी का किचन होता है या फिर किसी विला का किचन होता है, आपको वैसा फील इस किचन में आने वाला है। जहाँ पे आप ये कंप्लीट फिटिंग्स देख सकते हैं, आपके लोअर कैबिनेट्स विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे, आपके अपर कैबिनेट्स, लाइक एक बार स्टोरेज आप देखिए कितना अच्छा स्टोरेज दिया गया है। आपका इजीली सारा चीज़ें जो है किचन का वो सारा आप इजीली इन पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं, अपना चिमनी प्लेस कर सकते हैं। एंड ये जो आपका किचन है ये ड्यूल किचन कंसेप्ट के साथ आ जाता है। लाइक आपका जो वेट सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट एरिया में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंक प्रोवाइडेड है टू वॉश योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आपको यूटेंसिल्स वॉश करने हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट स्पेस आ जाता है।
सो दिस इज योर यूटिलिटी एरिया जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज कर रखा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट सेक्शन विद डुअल सिंक, जहाँ पे आपका मूविंग फॉसेट आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऊपर आपके पास स्टोरेज स्पेस भी आ जाता है टू स्टोर योर यूटेंसिल्स। आप अपने गीले बर्तन यहाँ पे रख सकते हैं। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको ये छोटा सा स्लैब मिल जाता है इन केस आपको अपने बर्तन रखने हैं या फिर कुछ भी यूटिलाइजेशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, लाइक आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं, कोई भी आपके इक्विपमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे उनको स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा स्पेस, लाइक जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन प्लेस्ड है, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड एक बार आप विंडो भी देखिए कि यहाँ पे ये कितने अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है, आपका जो लाइट एंड वेंटिलेशन है वो प्रॉपर इस एरिया में आता रहेगा। सो दिस वॉज आवर किचन। Now we are all done with our drawing, dining and kitchen. Now let's head towards our rooms. So this is our first bedroom, our guest bedroom in the size of 11x14. इसमें भी आप स्पेस देख सकते हैं कितना स्पेशियस ये रूम है आपका, ब्यूटीफुली डिजाइन है। आप कलर्स देखें यहाँ पे, कितना अच्छा कलर चूज किए गए हैं रूम को डेकोरेट करने के लिए। यू कैन हैव आइडियाज फ्रॉम दिस रूम कि आप अपने रूम को कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग, एंड यहाँ रहेगा आपका अटैच वॉशरूम विथ कम्प्लीट फिटिंग्स। सारी आपकी जो फिटिंग्स यहाँ पे रहने वाली हैं वो जैगवार की फिटिंग्स रहने वाली हैं। एंड इसी रूम के साथ अटैच आपकी बैल्कनी भी आ जाएगी, जो आपकी ड्रॉइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्टेड है। तो आइए चलते हैं बैल्कनी में। सो एक बार आप स्पेस देखिए बैल्कनी का, 6 feet वाइड बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल रही है ये, जिसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप प्लांटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, अपना सिटिंग एरिया इसको बना सकते हैं, आप झूला यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंड अपना सनसेट एंड सनराइज भी आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स आवर सेकेंड बेडरूम। सो दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम, योर मास्टर बेडरूम विच कम्स इन द साइज ऑफ 11x15। लाइक लुक एट द कलर्स फर्स्ट, लाइक हाउ ब्यूटिफुली दे हैव चूजन द कलर्स। लाइक मैं यही बोलूंगी आपको कि हर रूम में आपको एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि आप अपने रूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। हर चीज आप देखेंगे परफेक्टली अपने प्लेस पे प्लेस्ड है। इसके साथ भी आपको प्राइवेट बालकनी मिल जाएगी। सो ये बालकनी आपके बिल्कुल प्राइवेट रहने वाली है, लाइक बाकी बालकनी से ये बालकनी आपकी विजिबल नहीं होगी, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड आपके मास्टर बेडरूम में आपको एक डिफरेंट स्टोरेज रूम मिल रहा है। सो ये आपको एक डिफरेंट स्टोरेज रूम मिल रहा है जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हैं। आपका अगर ज्यादा स्टफ है आप उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपना ड्रेसिंग रूम भी क्रिएट कर सकते हैं विद मिरर एंड कबर्ड्स एंड ऑल। एंड हियर कम्स योर वॉशरूम एंड योर वॉकिंग क्लोजेट। तो यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे, वॉल माउंटेड एंड वॉल हाइटेड कबर्ड्स आ जाएंगे आपके सारे, जिनमें आप स्पेस देख लीजिए एक बार, लेआउट काफी अच्छा दिया गया है इनका। एंड यहां आ जाएंगे आपके वॉशरूम। सो ये वॉशरूम भी आपको कंप्लीट ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ मिलने वाला है। एंटी स्किड कंप्लीट आपका फ्लोरिंग आ जाएगा, वॉल पे आप कंप्लीट टाइलिंग देख सकते हैं। सो आफ्टर दिस मैं आपको ये प्लेस यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि रूम में बेड प्लेस करने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस बच जाता है कि आप यहाँ पे एक चेयर या फिर एक काउच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं रूम का। सो आफ्टर दिस हियर कम्स आवर थर्ड बेडरूम इन द साइज ऑफ 11x15 अप्रोक्सीमेटली, जिसमें स्टार्टिंग में ही पहले यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाता है। कंप्लीट ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी, एंटी स्किड पूरी कंप्लीट आपकी फ्लोरिंग आ जाएगी, नीचे आप वुडन टेक्सचर फ्लोरिंग देख सकते हैं कंप्लीट, वॉल पे आपका कंप्लीट टाइलिंग आ जाएगा। लाइक ये वॉशरूम भी आपको फुली लोडेड मिलने वाला है, एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पे आपका विंडो भी दिया गया है। सो दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। एज आई सेड,
डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन. तो आप यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो देख सकते हैं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं. यहाँ से भी आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं. एंड स्पेस भी आपका काफी ज्यादा है यहाँ पे. जैसे आप देख सकते हैं आपका बेड आ जाएगा, साइड टेबल्स आ जाएंगे आपके, उसके बाद भी आई हैव एम्पल स्पेस टू मूव. यहाँ पे आ जाएंगे आपके रूम के कबर्ड्स, जहाँ पे आप अपना सारा स्टफ इजीली स्टोर कर सकते हैं. वॉल माउंटेड कबर्ड्स रहेंगे आपके ये. एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, एक विंडो वहां तो है ही आपका विद बैल्कनी, बट यहाँ पे भी आपको एक विंडो स्पेस दिया गया है. सो आफ्टर दिस हियर कम्स योर बैल्कनी, 6 feet वाइड बैल्कनी आ जाएगी आपकी ये भी. लाइक इस घर में जितनी भी बैल्कनीज हैं आपकी, मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा स्पेशियस बैल्कनीज आपको यहाँ पे मिल रही है. सो आई होप यू एंजॉय द टूर ऑफ दिस ब्यूटिफुल सैंपल अपार्टमेंट. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको यहाँ पे डिफरेंट इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, तो अब इसके बाद मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक एक्चुअल अपार्टमेंट में, जो रहने वाला है आपका 3 BHK अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1550 स्क्वायर फीट. आइए चलते हैं. सो दिस इज आवर एक्चुअल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1550 स्क्वायर फीट. इस पे आपके एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, 3 लिफ्ट्स आ जाएंगी एंड 2 स्टेयरकेस आ जाएंगे. सो ये है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस है ये. यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस एंड आपके ड्राइंग डाइनिंग के साथ कनेक्टेड बालकनी आ जाएगी. ये आपका PR7 रोड है जो आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, जिसमें अगर आप यहाँ सीधे चले जाते हैं तो आगे आप पटियाला चंडीगढ़ हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप इस साइड जाते हैं तो आप दिल्ली अंबाला हाईवे को कनेक्ट करते हैं. लाइक आपको कनेक्टिविटी की यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है. सो ये 6 feet वाइड बालकनी रहने वाली है हमारी. यही बालकनी आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी. सो इसके एडजॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा किचन. कंप्लीट मॉड्यूलर किचन रहने वाला है. आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज किचन में मिलने वाली हैं. एंड ये किचन आपका ड्यूल कंसेप्ट के साथ आ जाता है. आपका वेट सेक्शन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा विद दिस मूविंग फॉसेट एंड ड्यूल सिंक. यहाँ पे भी आप स्पेस देख सकते हैं, तो ये आपका यूटिलिटी सेक्शन भी यहाँ पे आ जाता है. एंड यहाँ आ जाएंगे हमारे 3 बेडरूम्स. सो यहाँ है फर्स्ट बेडरूम जिसके साथ आपकी बालकनी अटैच रहेगी, जो मैंने आपको अभी दिखाई है. आपका वॉशरूम अटैच रहेगा एंड आपके कबर्ड्स एज इट इज रहने वाले. एंड यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम. तो आप ये बेडरूम भी देख सकते हैं, इसमें आपके वॉल माउंटेड कबर्ड्स आ जाएंगे. विंडो देखिए आप. एंड आपके थर्ड बेडरूम में एंटर करने से पहले मैं आपको ये कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ. सो ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा, आपके ड्राइंग डाइनिंग एंड आपके सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा. सो यहाँ है हमारा थर्ड बेडरूम. इसमें भी आपके कबर्ड्स एज इट इज रहने वाले हैं. एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी बालकनी. सो देख लीजिए ये भी आपकी 6 feet वाइड बालकनी है, जहाँ से आप कंप्लीट हाईवे का व्यू ले सकते हैं. गाइस इस कंप्लीट अपार्टमेंट में, लाइक यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं आपके, उनमें आपकी जो फ्लोरिंग रहेगी वो कजारिया की फ्लोरिंग आपकी कंप्लीट रहने वाली. सो ये था हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट. सो इसी के साथ हमारे आज के प्रोजेक्ट का टूर कंप्लीट होता है. आई होप यू एंजॉयड द टूर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं.